स्टूडेंट्स, अपनी पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने बेसिकली बुद्धि की परिभाषा पे जो है वो विशेष ध्यान दिया था और उससे रिलेटेड जितने प्रश्न बन सकते थे वो हमने करने का प्रयास किया था। उसकी विशेषताओं को हम लोगों ने कर लिया था। देन बुद्धि का स्वरूप यानी कि उसका नेचर क्या होता है, हमने वो जानने का प्रयास किया था। आज की क्लास में हम लोग बुद्धि के प्रकार की बात करेंगे कि बुद्धि कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा आज की क्लास का वो होगा बुद्धि के प्रकार अर्थात टाइप्स और काइंड ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, ये आज का जो है हमारा टॉपिक होगा जिसपे आज की क्लास जो है हम लोग डिस्कस करेंगे, बुद्धि के प्रकार यानी कि टाइप्स और काइंड ऑफ इंटेलिजेंस कितने प्रकार का होता है और हम लोग जो है इसको कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं, हम इन बातों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो पिछली क्लास में ही मैंने आपको बोला था कि बुद्धि कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसको हम देख करके ये विचार कर लें कि कितने किलो की है, कितने ग्राम की है ये, या कितनी मोटी है, पतली है, कितने सेंटीमीटर की है, कितने मीटर की है, हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिकों ने भी इस पर जो है वो बहुत कार्य करने का प्रयास किया और इसको फाइंड आउट करने का प्रयास किया, लेकिन सभी के सभी क्या रहे, इस चीज को, इस तथ्य को उजागर करने में जो है कहीं ना कहीं अपने आप को असफल और असहज महसूस करने लगे। लेकिन उन्हीं मनोवैज्ञानिकों में से एक मनोवैज्ञानिक थे थॉर्नडाइक, इन्होंने जो है वो बुद्धि के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ बुद्धि के ऊपर जो है वो कार्य करने का प्रयास किया और इस प्रयास के फलस्वरूप बुद्धि के तीन भागों को जो है वो सबके सामने रखा या सबके सामने प्रस्तुत किया या उसे तीन भागों में जो है वो विभाजित किया। इनके अनुसार बुद्धि के जो है वो तीन भाग बताए गए। क्या क्या वो भाग हैं, हम लोग एक एक भाग को जो है वो देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इन्होंने बताया कि बुद्धि अमूर्त होती है, इसलिए पहला भाग हो गया अमूर्त बुद्धि। दूसरा भाग इन्होंने बताया कि बुद्धि जो है सामाजिक होती है, तो सेकंड भाग आ गया सामाजिक बुद्धि का। तीसरा भाग उन्होंने बताया गामक या इसे यांत्रिक बुद्धि भी जो है वो कहा गया। ये तीन जो है वो प्रकार बताए थॉर्नडाइक ने बुद्धि के, अमूर्त बुद्धि, अच्छा इंग्लिश में भी लिख देते हैं इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, ये आप समझ जाएंगे, सामाजिक बुद्धि यानी कि सोशल इंटेलिजेंस, और गामक या यांत्रिक बुद्धि अर्थात मोटर और मैकेनिकल इंटेलिजेंस। तो ये तीन प्रकार की जो है वो बुद्धि हमारे सामने जो है अभी दृष्टिगत हो रही है। एक एक को जो है हम लोग डिटेल में लेने का प्रयास करेंगे कि ये बुद्धि क्या है, किस तरीके से है, हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम कैसे इसको समझ सकते हैं, हम कैसे जो है वो बालक के विकास के संदर्भ में जो है इन तीनों को एक साथ कोरिलेट कर सकते हैं, या बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत हम इनको किस तरीके से अपने कोर्स के अंदर जो है अध्ययन में शामिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि की अगर मैं बात करती हूं तो मैंने आपको पहले भी बताया था, अमूर्त ये जो शब्द है ना, ये शब्द सुनकर के ही हमें ये चीज समझ में आ जाती है कि अमूर्त का मतलब होता है जो हमारे सामने साक्षात रूप में नहीं है। ठीक है, जो हमारे सामने साक्षात रूप में नहीं है, जिसको केवल और केवल हम क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं, उसका एक विजुअल जो है हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, एक हाइपोथेटिकल व्यू जो है उसका प्लान
कर रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं, अमूर्त कहते हैं। अब वो अमूर्त बुद्धि जो है वो क्या है, कैसे है, ये बेसिकली हम लोग इसके अंतर्गत देखेंगे। तो अमूर्त बुद्धि की जब मैं बात करती हूँ तो कुछ टर्म्स हमारे सामने आते हैं। क्या टर्म्स हैं ये? ज्ञान अर्जन के लिए, ज्ञानार्जन के लिए पठन पाठन, लेखन, रुचि तथा रुझान के द्वारा ज्ञान को अर्जित करने के लिए। देखिए थोड़ा सा जो है हम लोग इन चीजों पे ध्यान दें। ज्ञान को अर्जित करने के लिए जो हमारे पठन पाठन का कार्य है, लेखन का कार्य है, जो हमारी अपनी रुचियां हैं और रुझान हैं, इन सब का मिश्रित रूप जो है, विभिन्न प्रकार के इन सब का मिश्रित रूप, विभिन्न प्रकार के संकेतों, चिन्हों, शब्दों, प्रतीकों के रूप में होते हैं। ठीक है, ज्ञान को अर्जन करने के लिए पठन पाठन, लेखन, रुचि और रुझान, इस प्रकार के जो हमारे रूप होते हैं, प्रतिरूप होते हैं, उनको हम विभिन्न संकेतों, चिन्हों, शब्दों, प्रतीकों के माध्यम से जब समस्याओं का समाधान किया जाता है, जब समस्याओं का समाधान किया जाता है, तो अमूर्त बुद्धि सक्रिय होती है। तो अमूर्त बुद्धि सक्रिय होती है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सिंपल सा जो है वो तथ्य है, सिंपल सा फैक्ट है, आप इसको ध्यान रखें। अमूर्त बुद्धि से तात्पर्य है ज्ञान का अर्जन तो हमारा हो ही रहा है, लेकिन साक्षात रूप में जो है हम उसको दृष्टिगत नहीं कर सकते हैं, हम उसको देख नहीं सकते हैं। ये हमारे जो विभिन्न क्रियाकलाप है, चाहे हम पढ़ रहे हैं, चाहे हम लिख रहे हैं, चाहे हम उसमें किसी प्रकार का रुचि दिखा रहे हैं, हमारा किसी प्रकार से रुझान बन रहा है, और इन सबको मिला करके हम विभिन्न प्रकार के संकेतों, चिन्हों, शब्दों, प्रतीकों के माध्यम से जब समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, तो वो जो समस्या का समाधान हुआ, बेसिकली जो समस्या समाधान का जो तथ्य है, समाधान के पश्चात की जो हमारे सामने एक वातावरणीय क्रियाकलाप है, या हमारे सामने जो उस समय का एनवायरमेंट है, उसको देख करके ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे अमूर्त बुद्धि जो है वो क्या थी, सक्रिय थी। अब इस प्रकार की बुद्धि का प्रयोग जो है हम कहाँ कहाँ देख सकते हैं, हम कैसे समझेंगे या हम कैसे जानेंगे कि हमारी अमूर्त बुद्धि जो है वो क्रियाशील है। आप लोग ये डायग्राम जो है वो बनाते चलें अपनी कॉपी में, सो दैट आप लोगों के पास भी जो है, जब डायग्राम आपके पास रहेगा तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है पढ़ने में जो है वो इजी होता है, पढ़ाई जो है हमारी अच्छी तरीके से हो पाती है। कहाँ कहाँ पे, किस किस जगह पे जो है हम इसको प्रयोग में लेते हैं या कहाँ पे हम इसको देख सकते हैं, गणित के सूत्रों को हल करने में, पुस्तकीय ज्ञान के अर्जन में, दार्शनिक तथ्यों में, तार्किक विषयों को
समझने में, विभिन्न साहित्यिक रचनाओं की सौंदर्य अनुभूति के लिए ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हमारे सामने हैं कि हम कहाँ कहाँ जो है अमूर्त बुद्धि को प्रयोग में लेते हैं। गणित के जो सूत्र होते हैं, जो मैथमेटिक्स के जो हमारे सामने सूत्र होते हैं, जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं या सम्स को जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे विभिन्न प्रकार के जो हमारे तर्क वितर्क की प्रक्रियाएं होती हैं उनसे हम गुजरते हैं, विभिन्न संकेतों के माध्यम से, या जो हमने अर्जित ज्ञान जो है अपने पास रखा हुआ है उनका प्रयोग करके जो है हम लोग उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। पुस्तकीय ज्ञान के अर्जन में, यानी कि पुस्तक में जो लिखा हुआ है वो तब तक केवल एक लिखावट रहेगी जब तक कि हम उसको अपने दिमाग में, अपने जहन में न बिठाएं। और दिमाग में और जहन में बिठाएंगे कैसे हम लोग, जैसे मैंने आपको बोला था कि अमूर्त बुद्धि जो है वो जब भी हम लोग जो है वो कोई ज्ञान का अर्जन करते हैं तो एक जरिया, एक माध्यम के द्वारा करते हैं। हम कैसे अर्जित करते हैं? हम या तो उसको पढ़ते हैं, या तो हम उसको लिखते हैं, या तो हम उसमें अपनी रुचि जो है वो पैदा करते हैं, या उसके प्रकार के उसके प्रति किसी भी प्रकार का रुझान हमारे मन में होता है। तो हम विभिन्न विधियों के माध्यम से क्या करते हैं, पुस्तकीय ज्ञान का अर्जन करते हैं। दार्शनिक जो होते हैं, दर्शन शास्त्र में अगर आप जाएंगे, अगर आप फिलोसॉफिकल टर्म्स में जाते हैं, फिलोसफी का कोई भी एक टॉपिक अगर आप उठा करके पढ़ने का प्रयास करते हैं तो आप देखेंगे अगर 10 लोग उस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, अगर 10 लोगों के भावों को अगर पूछा जाए कि उनका उसका पढ़ने का आउटपुट क्या निकला, अगर किसी दार्शनिक के विचारों को पढ़ा जा रहा है, दार्शनिक के किसी तथ्य को अगर पढ़ा जा रहा है और 10 लोग एक ही साथ बैठ करके पढ़ रहे हैं और आप अलग अलग उनके विचारों को जानने की कोशिश कीजिए कि उस दार्शनिक के तथ्य को पढ़ करके आपको क्या समझ में आया, आप अपने भावों को प्रकट करें, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूं उन 10 लोगों में आपको कुछ ना कुछ, 10 लोगों में 5-7 प्रकार के भाव जो है वो अलग अलग नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि अलग अलग तरीके से लोगों ने क्या किया है, उस भाव का अर्जन किया है, यानी कि दार्शनिक के उस पॉइंट को क्या किया है, अलग अलग तरीके से जो है वो अर्जित किया है, इसी वजह से इसको अमूर्त कहते हैं। अगर हमने देखा होता, समझा होता कि उस दार्शनिक ने पर्टिकुलरली किस बात पे जो है वो जोर डाला है या किस तथ्य से रिलेटेड अगर हम ये पता होता तो वो पॉइंट जो है मूर्त रूप में हमारे सामने होता, हमें पता होता कि हाँ इसीलिए किया गया, लेकिन हमने उसको समझने का प्रयास किया तो ऑलरेडी हमारे सामने अमूर्त था। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, दार्शनिकों के जो है वो तथ्यों को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तर्क वितर्क के द्वारा, जो तार्किक जितने भी विषय होते हैं जिसमें आप तर्क और वितर्क करते हैं, आप जो है कुछ ऐसे संकेतों का प्रयोग करते हैं, कुछ गणितीय सूत्रों का प्रयोग करते हैं, कुछ कैलकुलेशंस को प्रयोग में लेते हैं, आप उसको भी समझने में इसका प्रयोग करते हैं, और विभिन्न प्रकार के साहित्यिक रचनाएं होती हैं, उन रचनाओं की जो अनुभूतियां होती हैं, यानी कि अनुभूतियों से तात्पर्य मैं यहाँ पे जरूर जिक्र करना चाहूंगी, सौंदर्य अनुभूति, जो रचनाकार की जो रचना है, रचना अगर मैं देखूं, मैंने चूंकि यहाँ पे शब्द ही लिखा है साहित्यिक, तो साहित्यिक से तात्पर्य है कि वो आपके सामने लिखित रूप में है, ठीक है, आपके सामने किसी भी तरीके से वो लिखित रूप में है, आपके सामने दिख रहा है, दृष्टिगत हो रहा है, आप उसका अध्ययन कर पा रहे हैं, आप उसको पढ़ पा रहे हैं, लेकिन जो समझने का तरीका है वो क्या होगा, बिल्कुल डिफरेंट तरीके का होगा। अगर आपके जहन में जो है वो शब्द बिल्कुल मैच होते हैं, अगर आप खुश दिल हो करके उसका अध्ययन करते हैं तो जो सौंदर्य की अनुभूति होगी बहुत खुशी खुशी आप उसको स्वीकार करेंगे। अगर आप किसी ऐसे स्थान पे बैठ करके उसकी अनुभूति करते हैं जो बिल्कुल आप जो बिल्कुल प्राकृतिक वातावरण से जो है वो भरपूर है, वहां पे बिल्कुल हरियाली है, प्राकृतिक जो हमारे अनुभव है, पेड़ है, झरना है, चिड़िया जो है वो चहक रही है, और ऐसी जगहों पे अगर बैठ करके हम किसी साहित्य का अध्ययन करते हैं या उसको समझने का प्रयास करते हैं तो कहीं ना कहीं उसको ग्रहण करने की अनुभूति अलग तरीके की हुई। बिल्कुल स्ट्रेस लेकर के किसी चीज को आप पढ़ रहे हैं, किसी साहित्य को पढ़ रहे हैं कि आज तो मुझे खत्म करना है और इसका एक कंक्लूजन देना है,
तो अगर आपने ये सोच के साथ उसको पढ़ना शुरू किया तो कंक्लूजन केवल देने के हिसाब से, यानी कि आप उसको समराइज करने के हिसाब से उसका अध्ययन स्टार्ट करते हैं, तो उसकी अनुभूति भी अलग हुई। तो विभिन्न प्रकार की जो साहित्यिक रचनाएं हैं उनकी अनुभूतियों को जो है वो, उनके सौंदर्य की अनुभूतियों को जानने के लिए भी क्या है, ये अमूर्त बुद्धि जो है वो कारगर सिद्ध होती है या वहां पे क्रियाशील होती है। तो ये हमने जो है अभी हमारा पहला जो पॉइंट है या पहला प्रकार है बुद्धि का, एज पर थॉर्नडाइक हमने क्या किया, इसको पूर्ण कर लिया। अब दूसरे पे आते हैं हम लोग, सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि क्या है और इसके अंतर्गत जो है हम लोग किन किन तथ्यों को समाहित करते हैं और कैसे हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, अब हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, इसका संबंध, अगर मैं सामाजिक बुद्धि की बात करूं तो इसका सीधा सीधा संबंध व्यक्तिगत कार्य और सामाजिक कार्यों से होता है। व्यक्तिगत कार्य और सामाजिक कार्य से क्या होता है, इसका सीधा सीधा संबंध होता है। और इन दोनों के अंदर जो समन्वय है, इन दोनों के यानी कि हमारे व्यक्तिगत कार्य और हमारे सामाजिक कार्य, इन दोनों के अंदर का ये जो समन्वय वाला जो भाग होता है, ये हमारी सामाजिक बुद्धि को क्या करता है, प्रदर्शित करता है या उसको उजागर करता है या हमारे समक्ष क्या करता है, प्रस्तुत करता है। इस सामाजिक बुद्धि के कारण ही, ये जब बुद्धि होती है इसके कारण ही व्यक्ति अपने व्यवहारों को, व्यक्ति अपने व्यवहारों को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करता है और इसी व्यवहार के द्वारा सामने वाले व्यक्ति को प्रभावित भी करता है, प्रभावित भी करता है। देखिए, सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत एक व्यक्ति कोई होता है, वो अपने व्यवहारों को दूसरे व्यक्ति के सामने क्या करता है, प्रदर्शित करता है। क्योंकि हम समाज में रहते हैं तो समाज में हम नित नए अपने विचार, अपने जो भाव हैं, मनोभाव हैं, शब्दों के द्वारा, संकेतों के द्वारा हम क्या करते हैं, एक दूसरे के सामने जो है वो प्रकट करते रहते हैं, उनका आदान प्रदान डे बाय डे जो है, दिन प्रतिदिन की जो अपनी दिनचर्या है उसके अंतर्गत हम लोग करते हैं। तो व्यक्ति अपने व्यवहारों को दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करता है और प्रस्तुत करने के बाद जो है उस व्यवहार से दूसरे को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है। और ये जो इन्फ्लुएंस या ये जो प्रभाव होता है, देखिए ये क्या करता है, व्यक्ति में प्रसन्नता, मिलनसार हंसमुख सामाजिक आदि विचारधाराओं के या आदि इस प्रकार के जो है वो व्यक्तित्व से क्या होते हैं, ये लोग परिपूर्ण होते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति जो अपने व्यवहारों के माध्यम से दूसरे व्यक्ति को प्रभावित कर रहा है, वो व्यक्ति क्या होगा, उस व्यक्ति के अंदर अगर हम लोग देखें तो वो एक प्रसन्न व्यक्ति होता है। क्यों, क्योंकि वो अंदर से प्रसन्न है तभी जाके वो दूसरे को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, मिलनसार है, इसी वजह से वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है और दूसरों तक जो है अपनी भावनाओं को पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। हसमुख है, ऑब्वियसली बहुत सॉफ्ट नेचर का है, इस वजह से जो है वो दूसरों के सामने जो है कुछ प्रस्तुत कर रहा है। और सामाजिक है यानी कि सोशल है, इसी वजह से वो समाज के अन्य व्यक्तियों के साथ जो है वो इंटरैक्ट हो रहा है। तो अब अगर ये देखा जाए कि आपकी जो सामाजिक बुद्धि है ये किस प्रकार से कहाँ पे बेसिकली प्रयोग में ली जाए या कहाँ पे प्रयोग में ली जाती है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, मैं इसको मिटा रही हूँ।
इस प्रकार की बुद्धि का प्रयोग जो है, यानी कि सामाजिक बुद्धि का प्रयोग जो है, कौन लोग करते हैं या किस क्षेत्र में इसको देखा जाता है, थॉर्नडाइक के अनुसार कौन लोग इसका प्रयोग करते हैं, तो हमारे पास कुछ तथ्य हैं। सामाजिक कार्यकर्ता, इस प्रकार की बुद्धि का प्रयोग करते हैं। व्यवसायी वर्ग, इस प्रकार का प्रयोग करते हैं। और कूटनीतिज्ञ जो लोग होते हैं, वो लोग भी जो है इस प्रकार की बुद्धि का प्रयोग करते हैं। देखिए, सामाजिक जो कार्यकर्ता है वो भी क्या करता है, अपने व्यक्तित्व से दूसरों को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता रहता है। वो सोचता है कि मैं जो कह रहा हूं, मैं जो सुन रहा हूं, लोग जो है उसको समझें और मुझे जो है समाज के अंदर एक नई पहचान मिले। ठीक उसी तरीके से व्यवसायी वर्ग होते हैं, वो भी अपने व्यक्तित्व को जो है, अपने व्यक्तित्व से दूसरों को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। और कूटनीतिज्ञ वर्ग भी जो है इसी तरीके से क्रियाकलाप में जो है अपने आप को दृष्टिगत करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को दिखाने का प्रयास करते हैं। तो ये क्या हो गई, हमारी सामाजिक बुद्धि हो गई। अब तीसरा हम आते हैं, जो थर्ड प्रकार का जो है हमारा टाइप है, वो क्या है, मोटर या मैकेनिकल इंटेलिजेंस, जिसे हम गामक या यांत्रिक बुद्धि कहते हैं। इस प्रकार की बुद्धि का तात्पर्य, इस प्रकार की बुद्धि का तात्पर्य व्यक्ति की शक्ति तथा योग्यता से जो है वो देखा जाता है। गामक या यांत्रिक बुद्धि का तात्पर्य व्यक्ति के अंदर उस प्रकार की शक्ति या उस प्रकार की योग्यता से होता है जो भौतिक वातावरण के साथ क्रिया करने में सक्षम होता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, अगर हम लोग देखें, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो आपके घर में भी होंगे, प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप में बता रही हूं, आप छोटे बच्चों को एक खिलौना ला करके दे दीजिए। जब भी हम खिलौने को देते हैं और बच्चे को बोलते हैं कि खेलो, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उस खिलौनों को खेलने की बजाय वो उसको तोड़ना चालू कर देते हैं, उसके पेंच इधर उधर से निकाल देंगे, पार्ट्स को जो है वो अलग अलग तरीके से निकाल करके फिर उसको जोड़ने का प्रयास करने लगते हैं कि यानी कि ये फिट कैसे हुआ था, ये चलता क्यों है, इसमें चाबी क्यों ऐसे भरते हैं, इसको क्यों ऐसे घुमाते हैं, घुमाने का प्रोसेस क्या है, कहाँ से जो है ये हमारा ऐसे हाथ लगाने से ये स्टार्ट होता है। तो उनके दिमाग में बहुत सारी ऐसे तथ्य, बहुत सारी ऐसी क्रियाएं जो है वो चलती रहती हैं, जो मजबूर करती हैं कि वो उस खिलौनों को प्रॉपरली खेलने की बजाय जो है उसका जो प्रोसेस क्या है, उसके अंदर फीड, वो टॉय किस प्रकार से चल रहा है, किस प्रकार क्रियान्वित हो रहा है, वो उस क्रिया के अंदर जो है वो ज्यादा डूब जाते हैं। तो उनके अंदर इस प्रकार की शक्ति और योग्यता होती है कि वो उस प्रकार के खिलौनों के साथ जो है इस प्रकार के गामक या यांत्रिक बुद्धि की क्रिया करके उसको समझने का प्रयास करते हैं। और ऐसे बच्चों को आप देखिए जो इस तरीके के कार्य करते हैं, आगे चल के इंजीनियरिंग के फील्ड में, और कुछ ऐसे इनोवेटिव आइडियाज होते हैं, क्राफ्टिंग है, इस तरीके के जो फील्ड्स होते हैं उनमें अपने आप को जो है ये बहुत ऊपर लेके जाते हैं, या उनमें उन क्षेत्रों में जो है अपने आप को बखूबी जो है वो साबित कर पाते हैं। तो ये क्या है, हमारा गामक या यांत्रिक बुद्धि जो है, मोटर या मैकेनिकल इंटेलिजेंस है। अब ये किस किस फील्ड में या किस तरीके से हम लोग इसका भी जो है एप्लीकेशन देख सकते हैं कि कहाँ पे होगा, तो ये होता है हमारे इंजीनियरिंग में, कारीगरों में, मिस्त्री में, इस तरीके के जो प्रोफेशंस होते हैं उनमें ये इस प्रकार की बुद्धि क्या होती है, क्रियाशील होती है। अब देखिए, ना सिर्फ इस तरीके के कार्यों में, बल्कि
जो थार्नडाइक हैं अगर उनके अनुसार हम लोग चले तो उन्होंने ये भी कहा कि ये जो बुद्धि है यानी कि मोटर स्केल जो है गामक यांत्रिक जो बुद्धि होती है ये जिन बच्चों में होती है वे बच्चे खेल कूद में बहुत कुशलता से स्वयं को प्रदर्शित करते हैं ठीक है। क्यों प्रदर्शित करते हैं? क्योंकि वही मैंने आपको जो दो तथ्य बताए थे, क्योंकि उनके पास जो है योग्यता भी है और उनके पास शक्ति भी है उस खेल से संबंधित, उनके पास शक्ति भी है, उनके पास योग्यता भी है। इस वजह से जो भी खेल जो भी गेम वे खेलते हैं उसमें वे अपने आप को साबित कर पाते हैं, अपनी कुशलता को प्रदर्शित कर पाते हैं। तो ये तीन प्रकार के जो है वो बुद्धि आज हमारी क्लास में हम लोगों ने पढ़ने का प्रयास किया कि थार्नडाइक के अनुसार जो है वो तीन तरीके की बुद्धि जो है उन्होंने बताया। पहला है अमूर्त बुद्धि यानी कि अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, दूसरा सामाजिक बुद्धि यानी कि सोशल इंटेलिजेंस, और तीसरा गामक यानी कि मोटर या फिर यांत्रिक बुद्धि यानी कि मैकेनिकल बुद्धि। अब देखो ये जो बुद्धि है, ये तीनों तरीके की जो बुद्धि है ये तो इन्होंने बता दिया, लेकिन इसमें 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 आप किसी में भी जाइए कहीं पे भी बुद्धि को ये डिफाइन नहीं किया गया कि एक व्यक्ति के अंदर ये कितने परसेंट है, ये कितने परसेंट है या ये कितने परसेंट है। ठीक है, कहीं पे भी ये डिफाइन नहीं किया गया कि कोई भी एक व्यक्ति होगा तो उसमें अमूर्त कितने भाग में होगा, कितने प्रतिशत में होगा, सामाजिक कितने भाग में कितने प्रतिशत में होगा, या गामक यांत्रिक कितने भाग में कितने प्रतिशत में होगा, ये कहीं पे भी नहीं बताया गया है। ये तीन प्रकार के होंगे लेकिन वातावरणीय कारकों के अनुसार, वंशानुगत कारकों के अनुसार, और जो व्यक्ति की अपने स्वयं की परिस्थिति होती है जिनके साथ वो अपनी प्रतिक्रिया क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं उन वातावरणीय कारकों के अनुसार जो है ये जो बुद्धि के भाग हैं उनमें जो है वो ऊपर नीचे यानी कि घटाव और बढ़ाव जो है वो चलता रहता है। किसी में हो सकता है ये ज्यादा हो, किसी में हो सकता है ये ज्यादा हो, किसी में हो सकता है ये ज्यादा हो, किसी किसी में ऐसा हो सकता है कि आपको ये तीनों ही पूरी तरीके से दृष्टिगोचर ना हो, किसी किसी में आपको ये तीनों ही थोड़े 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 दिखते हो और आपको लगता है कि वाह क्या आदमी है यार, ये तो सभी तरीके से मतलब इसके अंदर तो कोई कमी नहीं निकाल सकते हम लोग। तो इस तरीके की प्रतिक्रियाएं जो है हमारे समक्ष आती हैं और ये सब जो है हमारे इस बुद्धि के भाग को यानी कि बुद्धि के ये जो प्रकार हैं इन तीनों प्रकारों को क्या करती हैं, प्रदर्शित करती हैं। तो आज हमने ये टॉपिक जो है वो बुद्धि का प्रकार ये कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग बुद्धि के सिद्धांत पे चलेंगे, और मैं आपको बता दूं कि अब इसके बाद जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उनसे क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। जो बुद्धि के आपके सिद्धांत हैं, जितने भी सिद्धांत हैं सभी सिद्धांतों से प्रश्न आपके बनते हैं। देन उसके बाद हम आईक्यू की बात करते हैं। आईक्यू के अंदर जो बुद्धि लब्धि है, बुद्धि लब्धि से भी बहुत सारे एग्जामिनेशन के अंदर जो है वो क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कोई बात होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। किसी भी तरीके की अगर आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, किसी भी तरीके का और एक्स्ट्रा कंटेंट चाहिए तो किसी भी पॉइंट से रिलेटेड आप कमेंट कर सकते हैं। एंड अगर हो सके तो आप अपने फ्रेंड्स और अपने जानकारों के बीच में वीडियो को शेयर कीजिए सो दैट वो भी इस बात से जो है इस तथ्य से अवेयर रहें, क्योंकि ये पूरा बुद्धि के ऊपर यानी कि इंटेलिजेंस के ऊपर मैं ये पूरा सीरीज ही लेकर के चल रही हूँ जो कि बहुत सारे वीडियोस के अंदर कंप्लीट होगा। जो बुद्धि है सिंपल सा सुनने में जो है बिल्कुल दो शब्द का जो है ये एक सॉरी दो अक्षर का ये एक शब्द लगता है, बट इसके अंदर बहुत सारी चीजें समाहित होती हैं। इसमें ग्रुप ऑफ वीडियोस जो है वो शामिल होंगे, चेन ऑफ वीडियोस आप कह लीजिए इसको, बहुत सारे वीडियोस इसमें आगे और भी आएंगे। तो अगर आपने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।